भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। ये गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। जल सदैव तांबे के लोटे से चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल देते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, इससे मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चाहिए अर्पित करना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। किंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो सबसे पहली बात पूर्व की ओर मुख्य रखें। भगवान सूर्य देव को सदैव पूर्व की मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्यदेव को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्यदेव इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बार बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं, भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी की चीजों से भगवान सूर्य को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच यदि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली फूल अवश्य होनी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव भी प्रवेश करती है। सातवीं, बांध चप्पल ना पहने। इन भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए।
यदि आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बांध रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद सादा भोजन लें। यदि आप भगवान सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांस आहार का सेवन न लाल रंग की सब्जी मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है, किंतु रविवार के दिन खास रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं। समय नहीं है आपके पास तो सिर्फ स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। कर आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते ही समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कभी बाहर के दिन सुबह जब भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्यदेव को। तो जब आप भगवान सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं हुए गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप यह दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं जो रुके हुए हैं बनने लग जाते हैं, भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं, लाल चंदन जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं सूर्य देव को तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है, आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं, लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं
तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप सात रविवार कर लीजिए, जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से अपने शुरू किया तो सात रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए, जैसे प्रातःकाल थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्य देव बलि हो जाते हैं, और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर, अगर आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप वह भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है, व्यापार हो नौकरी हो हर जगह आपको तरक्की मिलती। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी जीरो लिया लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती है। रविवार के दिन आदित्य जी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप तीन बार करते हैं प्रतिदिन, या फिर तीन बार रविवार को भी कर ही लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी काम ना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बलि होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। और विश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यहां आप अवश्य कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी खास कामना है, तो ये उपाय अवश्य कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्व पत्र डालना है, और इस बेलपत्र के साथ सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रोली डालें, और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे पूरे दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव जी को जल देना है। सात बार में आपको जल देना है, जैसा कि बताया जाता है। आपको तीन बार में जल दे चाहिए, रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम तीन बार में देते हैं। हमें बिल्व पत्र डालना है तो इस खास सामग्री की वजह से हम इस जल को सात बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसे जल को, एक पत्र के जल को ही सात बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, AUM ही मसूरी, यह नम हो इन सूर्या नम। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहे, थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो एक बार या तीन बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं, अवश्य इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए। इससे आपके कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है, और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बलि होना। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, और रविवार के दिन खास रूप से कीजिए। आशा है